Hello friends, this is Sangam before you and welcome back to my channel YP. Friends, in this video, I'm going to talk about Ciprox 500 mg tablet. So friends, without wasting any more time, we should start the video. Friends, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी को के उद्देश्य से बनाई जा रही है। इस वीडियो को देखने के बाद कतई आप सेल्फ मेडिकेशन न करें। एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो कोई भी दवा लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर, बिकॉज ये सारे एलोपैथिक दवाइयाँ हार्मफुल हो सकती है आपके लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग बात करते हैं Ciprox 500 mg टैबलेट के। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है Ciprox 500 mg टैबलेट। फ्रेंड्स, यह बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर मेडिसिन है। यह डॉक्टरों द्वारा पसंद किया जाने वाला एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है Ciprox 500 mg टैबलेट। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन, इन सारी बातों को समझेंगे आज इस वीडियो में डिटेल से। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कौन सी कंपनी से मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को सिप्ला फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। बेसिकली दिस मेडिसिन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय सिप्ला फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। कि इस मेडिसिन को किनके द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है? सिप्ला फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये आपको समझ में, इसके एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स होते हैं, जिसकी कीमत लगभग मार्केट में आपको 34 रुपये से लेके 40 रुपये के आसपास में मिल जाएगी आपको। मैंने एग्जैक्ट नहीं बताया, एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया आपको कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स आते हैं और क्या इसके प्राइस होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बेसिकली मैं बात करना चाहूँगा कि इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स होता है। फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर, इस मेडिसिन के अंदर सिप्रोफ्लॉक्सासिन मॉलिक्यूल्स होता है, जो कि एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट रहता है और एंटीबायोटिक होता है। एंटी बैक्टीरियल कहने का मेरा अर्थ ये होता है कि उसके पास कैपेसिटी है बैक्टीरिया को किल करने का, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। और एक बात और मैं जानकारी के तौर पर यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि देखिए, हर मेडिसिन जो भी एंटीबायोटिक होता है उसका एक अलग अलग ग्रुप होता है। जैसे आप टेट्रासाइक्लिन सुनते हैं उसका अलग ग्रुप होगा, फिर आपको सेफ्टेरिया जॉन सुनते हैं उसका अलग ग्रुप होगा, सबका एक अलग अलग ग्रुप है। तो उसी प्रकार से यह जो एंटीबायोटिक है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, या फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुप से बिलोंग करता है। याद रखिए, फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुप से बिलोंग करता है। फ्रेंड, चलिए बात करते हैं इसकी यूसेज के बारे में, किसे कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड, बेसिकली तो लोग बहुत जगहों पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे मेन पॉइंट्स बताऊंगा जहाँ पे इसका डॉक्टरों द्वारा भरपूर इस्तेमाल जबरदस्त तरीके से किया जाता है। तो फ्रेंड, सबसे पहला टाइफाइड। टाइफाइड एक डिजीज होता है जो आंत का बुखार, जिसको बोलते हैं आंत ज्वर बोलते हैं, जिसमें रात में बुखार लगती है, चिलिंग ठंड लगती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं टाइफाइड बोलते हैं। और इसको ठीक करने के लिए, ठीक है, इसका सिप्रोफ्लॉक्सासिन का जबरदस्त डॉक्टर द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि नंबर वन आपको समझ में। अब चलिए आगे बात करते हैं नंबर सेकेंड यूटीआई। कहने का मेरा अर्थ यह हो रहा है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर यूरिनरी ट्रैक्ट पेशाब के रास्ते में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, चाहे वो पस इन्फॉर्मेशन हो रहा है, चाहे जलन हो रहा है, मिक्सुरेशन इन यूरिन कुछ भी हो रहा है, या पेशाब में बदबू आ रहा है, बैड स्मेल आ रहा है, तो उन चीज़ों को भी ठीक करने के लिए इसका बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ सेकेंड इसके यूसेज आपके समझ में आ गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर थर्ड इसके यूसेज है आरटीआई। और आरटीआई करने का, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अगर इससे अगर कोई दिक्कत है सीने में, अगर सांस लेने वाली जगहों से कोई दिक्कत है, परेशानी, तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा इसका जबरदस्त इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, स्किन इन्फेक्शन, अगर स्किन पे भी रैसेस वगैरह बन रहे हैं, इन्फेक्शन भी बन रहा है, तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा इसका जबरदस्त इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली मैंने चार बताया, कुछ और मैं एडिशनल बताना चाहूंगा जो कि लोग बहुत कम जानते हैं। चलिए उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि इसका यूसेज कहाँ। और फ्रेंड्स, इसका एक एडवांस यूसेज भी होता है जो डॉक्टर द्वारा किया जाता है, वो है मिनोरिया। मिनोरिया भी एक महिलाओं से जुड़ी हुई बीमारी है, जिसमें पीरियड से जुड़ी हुई बीमारी। इस पर मैं किसी अलग ट्रिक बार बना दूंगा, एक अलग वीडियो इस पर बना, मिनोरिया, एमिनोरिया, डिसमिनोरिया, पॉलीमिनोरिया, सब पे बना दूंगा मैं आपको, ठीक है। मिनोरिया जिसमें ब्लीडिंग बार बार आता है, और उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है जबरदस्त। उसके बाद ल्यूकोरिया, यह भी बीमारी महिलाओं से जुड़ी हुई, महिलाओं के वेजाइना से वाइटिस डिस्चार्ज आता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड वाइटिस डिस्चार्ज, उसको ल्यूकोरिया बोलते हैं। उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था, लेकिन ल्यूकोरिया को बेसिकली ठीक करने के लिए किट ही आता है, A3 किट नाम ही है उसका, ठीक है, वो अलग से ही चलता है, स्पेशली उसके लिए ही आता है, तो उस पर मैं कभी अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली मैंने एडवांस लेवल दो चीज़ें बताई, मिनोरिया और ल्यूकोरिया को ठीक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके यूसेज समझ में आ गए होंगे। एक्चुअली एक बार मैं फिर से रिपीट कर देना चाहूँगा कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, मैंने बताया, पहला बताया टाइफाइड, दूसरा यूटीआई, ठीक है,
यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तीसरा आरटीआई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसके बाद मैंने बताया आपको स्किन इन्फेक्शन, उसके बाद आपको मैंने बताया मेनोरिया, उसके बाद लिकोरिया। तो ये इतनी जगह पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद ही बहुत सारे डॉक्टर जो प्रैक्टिशनर होते हैं वो सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो तो एंटीबायोटिक के तौर पर इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन मेनली इसका इस्तेमाल यहीं किया जाता है, इस बात को याद रखिए फ्रेंड्स। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यूजेस समझ में आया। अब चलिए बात करते हैं कंट्राइंडिकेशन का। फ्रेंड्स किसी भी मेडिसिन का कंट्राइंडिकेशन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो किसके साथ क्या रिएक्ट करके एंटागोनिस्ट क्या तैयार कर सकता है, ड्रग इंटरेक्शन क्या हो सकता है उसका, वो जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि सीधा दवा देने से वो ठीक नहीं होता है पेशेंट, अगर उसका क्या नुकसान हो सकता है ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स चलिए हम बात करें कंट्राइंडिकेशन के बारे में। कंट्राइंडिकेशन कहने का अर्थ मेरा यहाँ पर यह हो रहा है कि किस व्यक्ति को किस चीज़ों के साथ नहीं देना है ये दवा, किन व्यक्ति को नहीं देना है या किन चीज़ों के साथ नहीं देना है ये जो खतरनाक साबित हो सकता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, अगर कोई 2 साल से नीचे का बच्चा हो तो उसको यह दवा नहीं देते हैं, सिप्रोफ्लोक्सासिन नहीं देते हैं। सेकेंड ब्रेस्ट फीडिंग मदर को भी यह दवा नहीं दी जाती, यह मेडिसिन नहीं दी जाती है। थर्ड है प्रेग्नेंट लेडी या प्रेग्नेंट वुमन अगर कोई महिला प्रेग्नेंट हो तो उसको भी यह दवा नहीं दी जाती है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं अल्कोहल, अगर थोड़ा देर पहले कोई व्यक्ति ने अल्कोहल ड्रिंक किया हो, ठीक है, और उसके बाद अगर आपको कोई दवा देना हो एंटीबायोटिक के तौर पर, तो आप इस दवा को न दीजिए, थोड़ा सा खतरनाक साबित हो सकता है, उसके लिए आप दूसरा एंटीबायोटिक आप चूज कर ले। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि कंट्राइंडिकेशन आपको समझ में आएगा। कंट्राइंडिकेशन क्या बताया मैंने आपको, 2 साल से नीचे के बच्चों को नहीं देना है, फिर आपको ब्रेस्ट फीडिंग मदर को नहीं देना है, प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देना, और कोई व्यक्ति अल्कोहल का सेवन थोड़ा देर पहले किया है तो उसको भी आपको नहीं देना है फ्रेंड्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन आपको समझ में आएगा। एक्चुअली बात करते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट्स, हर ड्रग का थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट होता है लेकिन ओवरडोज के कारण। तो फ्रेंड्स चलिए साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं। फ्रेंड्स इसका सबसे पहला साइड इफेक्ट होता है इसका वर्टिगो, आपको चक्कर आएगा, जीडीनेस जिसको लोग दूसरे शब्दों में बोलते हैं, आपको चक्कर आएगा। उसके बाद वोमिटिंग टेंडेंसी, उल्टी करने का दिल करेगा, ऐसा आपका टेंडेंसी रहेगा, ठीक है। उसके बाद स्किन रैसेस, स्किन पर रेड रैसेस हो जाएंगे, चकत्ते पड़ जाएंगे। फिर कहते हैं कि इसके अलावा एक और इसका साइड इफेक्ट होता है जो बहुत ज़बरदस्त होता है, वो होता है डिस्टेंडेड एब्डोमेन कहने का मतलब पेट फूल जाना, इस सेंस में पेट फूला हुआ, ये भी इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके साइड इफेक्ट्स आपको समझ में आ गया होगा। पहला मैंने बताया क्या, जीडीनेस या वर्टिगो आप कह सकते हो, फिर कहते हैं वोमिटिंग टेंडेंसी, फिर आप कह सकते हो रेड रैशेस ऑन स्किन, और उसके बाद डिस्टेंडेड एब्डोमेन पेट फूल जाना। तो फ्रेंड्स अगर इस तरह कोई भी प्रकार का साइड इफेक्ट दिखे आप तुरंत अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट कर जाए, जल्दी जाके मिले उनसे ताकि वो दवा को चेंज कर सके, कुछ इसके जगह पर अलग चला सके। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे इसकी यूसेज समझ में आएगा, कहाँ इसके यूसेज करना है, इस वीडियो में पूरी तरह से मैंने डिटेल्ड बता दिया है एनालाइज करके कि कहाँ किसका इस्तेमाल किया जाता है, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन, सारी चीज़ों को मैंने बहुत प्रॉपर तरीके से समझाया। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगे, काफ़ी ज़बरदस्त लगे, बहुत शानदार लगे। और फ्रेंड्स अगर वाकई में मेरे समझाने का तरीका, एनालाइज करने का तरीका आपको वास्तव में बेहतरीन लगा हो, शानदार लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए जो मेडिकल से रिलेटेड है। ऐसी वीडियो मैं लगातार लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।